हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भाई आपके सामने जो हम एक ऐसा क्वाड बैटल लेके आए हैं जो काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है यहाँ पर। तो पहले हम बात कर लें चार बाइक जो हमने लाइनअप कर रखी हैं। पहली है अपनी बजाज की डोमिनार 400 और दूसरी है कावासाकी निंजा BS6 ओबीडी वाला सेक्शन है, देख सकते हो रेड नंबर प्लेट है, तो ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। उसी के बगल में खड़ी है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GD 650 जो कि क्रोम है और जो है स्पोक व्हील्स पे आती थी। इसके बाद एक और एडिशन आया है जो अलॉय व्हील्स पे आया है। दूसरी है अपनी चौथी बाइक जो होने वाली है, वो है KTM की ड्यूक 390 जनरेशन 3 मॉडल है ये। और यहाँ पे पार वगैरह की बात कर ले तो यहाँ पे आपको डोमिनार में 400 cc का इंजन और जो है 39 PS की पार मिल जाती है। सेम वहीं पे आपको निंजा 300 में भी वही पावर देखने को मिलने वाली है, 38.88 PS अप्रॉक्स 39। यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है 47 PS की पार जो कि 650 डुअल सिलेंडर होने वाली है। डुअल सिलेंडर यहाँ पे दो बाइक्स हैं, निंजा 300 और कॉन्टिनेंटल 650, और जो चौथी बाइक है वो है KTM की ड्यूक 390। इसमें जो है आपको 399 cc का इंजन देखने को मिलता है और पावर मिलती है यहाँ पे आपको 45.2 PS की पार और LC4C इंजन, ये देख सकते हो जो कि लाइट वेट इंजन है। यहाँ पर सिंगल सिलेंडर में सबसे फास्टेस्ट बाइक जो है यहाँ पे यही है। और सबसे स्लोएस्ट की बात कर ले तो भाई डोमिनार 400 जो है वो यहाँ पे सबसे स्लो होने वाली है 400 cc कैटेगरी में मेरे हिसाब से। अभी बैटल करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे डुअल सिलेंडर अपनी निंजा 300 है जो कि 38.88 PS की पावर को जो है जनरेट कर देती है। बाकी अपनी कॉन्टिनेंटल GT जो है डुअल सिलेंडर और बाइक काफ़ी क्लासिक लुक के साथ में आती है जो कि एक कंपैरिजन बहुत ख़तरनाक इसमें है जो कि ड्यूक 390 से है। राइवरी इसकी बहुत ख़तरनाक चलती है। तो अभी यहाँ पे इस क्वाड को करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। चलो मैं नए हो तो सब्सक्राइब जरूर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। कर रहे हैं हमारे साथ कुंदन भाई शूट, अपने रजनीश भाई हैं, शारी भाई अपने वो हैं। तो चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अरे भैया ये तो गई यार, ओ हो और ये हवा की तरह ड्यूक 390 यहाँ पे भैया ड्यू को पूरा फायदा मिलने वाला है। ड्यू काफी तेज आगे निकल गई है, बहुत तेज गई है भाई ड्यू 390 आगे। और ये क्रोम वर्जन है भाई, लिमिटर आ जा रहा भाई, आप लगा दिया मैंने छठा गियर, देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं भाई साहब। बहुत तेज ड्यूक गई है लेकिन हम तो सारे गेयर डाल चुके हैं लेकिन सब एक के पीछे एक चल रहे हैं, लेकिन सबसे पीछे डोमिनार और यहाँ पे थर चल रही है अपनी निंजा 300। नहीं आई अभी
ट्रेन निकल गई है यहाँ पर, काफी तेजी से निकली है, लिमिटर आ गया भाई, बहुत तेज गई है भाई निंजा 300 भाई, रोला काट दिया उसने, रोला काट दिया भाई। तो भाई यहाँ जीटी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पीछे मेरे ड्यूक 390 और डोमिनार 400 सबसे पीछे है, देख सकते हो उसका भाई डोमिनार, भाई मैं बोल रहा था ना कि 400 कैटेगरी में सबसे स्लो बाइक जो है वो भाई वही है, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि 400 कैटेगरी में सिंगल सिलेंडर सबसे जो भाई स्लो बाइक है वो डोमिनार 400। राइट मुड़े हो, मैं लॉन्च ही नहीं कर पाया भाई, स्लो हो गया पूरा, गाड़ी स्लो एकदम। यहाँ पे फर्स्ट निंजा 300 कितना समय लगा पकड़ने में आप लोगों को, मुझे इसलिए समय लगा क्योंकि इनकी वजह से मैं लॉन्च ही नहीं कर पाया, ये ऐसे स्टार्ट किया, सुनो भैया एकदम पता है क्या, क्योंकि सारी बाइकें बिल्कुल पास में खड़ी थी, जीटी जैसे लॉन्च किया एक तरफ चली गई, एकदम सीधा निकला करो, मोड़ा ही ना करो, सुनो ना इसने ऐसे किया, मैं इधर हुआ, मैं बहुत पीछे हो गया, मेरी गाड़ी मानो कितनी भागी है, हां बताओ कितनी भागी होगी, 90 पूरी पूरी स्लिम स्विमिंग करके आए हैं जीटी के पीछे, समझे, हाँ जीटी की फुल स्लिम स्विमिंग करके आए हैं, कोई बात नहीं निंजा जीतेगी, फर्स्ट पे निंजा, सेकंड पे जीटी, थर्ड पे ड्यूक, फोर्थ पे डोमिनार। अब मैं आ गया हूँ स्लोवेस्ट 400 कैटेगरी बाइक पे, लेकिन तो गाइस यहाँ पे हमने राइडर स्विच कर लिया है, मैं चला रहा हूँ डोमिनार, कुंदन भाई चला रहे हैं अभी ड्यूक 390, शारी भाई चला रहे जीडी और रजनी सपना चला रहा है निंजा 300 को। काफी अच्छा परफॉर्मेंस डोमिनार में भी दिया अपने हिसाब से,
सो गाइस यहाँ पर ये भाई नहीं यार सामने गाड़ी आ गई, एक तो टर्निंग पे थे तो ये मेरे आगे थे, ये ऐसे किए, हमने कहा आगे पीछे क्या देखा नहीं हमने देखा ड्यूक कहाँ रह गई यार पीछे थी, फिर से तीनों ने मुझे दबा दिया भाई आप तो नहीं, आप तो मैं किनारे था, तुम आगे थे, ये और ये ओ हम क्रीज के इस तरफ स्लिप स्विमिंग करने आ गए बगल में, ये मेरे बगल में ऐसे मैं कहाँ जाऊँ, कहीं भी हल्का तो किसी ने ब्रेक मार दिया काम खत्म, कहीं हो नहीं पाती जब टर्निंग, बहुत मजेदार थी, बहुत मजेदार टर्निंग आ गई थी, मेरे सामने गाड़ी भी आ गई, वही तो दिखता है कि राइडर में कितना दम है, नहीं नहीं टर्निंग ऊपर से सामने गाड़ी एकदम सामने गाड़ी, वही तो स्किल दिखाना, वही तो लिटाना था इसे मोटे जीपी की तरह, आपने देखा यहाँ पे काफी फनी जो कंपैरिजन रहा, ये फर्स्ट अपनी आई है यहाँ पर निंजा 300, सेकंड पे अपनी है जीटी कॉन्टिनेंटल, थर्ड पे यहाँ पे जो राइडर की वजह से जो है डोमिनार 300 आगे है, ड्यूक अपनी फोर्थ पे आ गई भाई, वही मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट अपनी निंजा, सेकंड अपनी जीटी, थर्ड अपनी ड्यूक, फोर्थ अपनी डोमिनार, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है आपके सामने, तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके जरूर बनाओ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम फॉलो करो, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।